नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। आगरा में नए कानून के खिलाफ टैंकर चालकों ने प्रदर्शन किया, जहां आगरा रिफाइनरी पर टैंकर चालकों ने हड़ताल की, साथ ही टैंकर चालकों ने कानून वापसी की मांग की। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की डिपो पर चालकों ने प्रदर्शन किया है। आगरा के इत्मादपुर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की डिपो स्थित है। मामला जिले के सुदूर स्थित हरैया सतघरवा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय थाने में इंडियन बैंक की शाखा हरैया सतघरवा के शाखा प्रबंधक समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी और पैसा गबन करने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा लिखकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हरैया थाना में दी गई तहरीर में ग्राम बनकटवा खुर्द थाना हरैया निवासी मोहम्मद इस्लाम ने बताया है कि उनका इंडियन बैंक की शाखा हरैया में बचत खाता संचालित है। 11 जुलाई 2023 को अपने बैंक खाते में 95,000 रुपये जमा कराने वो गए थे। पैसा जमा करने के बाद मैंने पासबुक पर एंट्री भी करा दिया। लगभग 2 माह बाद मैं बैंक में अपना जमा पैसा चेक करने गया तो पता चला कि खाते में पैसा जमा ही नहीं है। ये बात बैंक मैनेजर को बताने पर मुझे चुप रहने के लिए धमकी देकर भगा दिया गया। इसी तरह की बैंक में अन्य खाता धारक अशोक कुमार के खाते से भी 1,60,000 रुपये, धनीराम उदय प्रताप और नंदलाल के खाते से 30,000 रुपये और अक्षय कुमार के खाते से 1,93,000 रुपये का गबन किया गया। सीओ दरवेश कुमार ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया है कि मोहम्मद इस्माइल की तहरीर पर इंडियन बैंक के मैनेजर नसीम हैदर रिजवी, सहायक प्रबंधक सुमित विद्या, लिपिक राजेंद्र कुमार प्रधान, कोड़िया रवि प्रताप, रिकवरी एजेंट दीपू यादव, बैंक मित्र आदर्श श्रीवास्तव उर्फ लाल राहुल और बैंक मित्र आदेश कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि हमारा एक बीसी है जिसको ये होता है कि वो पैसा जमा करता है और निकासी करने का उसको पावर होती है। बैंक इंटीग्रा कंपनी इनकी एक है, उसके थ्रू इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो उनको पैसा लेने का और देने का हमारे 6 बीसी हैं, उसमें से 1 बीसी ने कम से कम ऐसा कांड जो है वो लोगों के साथ में किया है, उसकी जांच हमारे उच्च अधिकारी द्वारा की जा रही है। गुरसराय नगर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से आए अक्षत कलश की शोभा यात्रा गुरसराय नगर की गली चौराहे से निकाली गई, जिनमें नगर सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र से भारी संख्या में राम भक्त सम्मिलित हुए और जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए नजर आए। साथ ही ढोल नगाड़ों और ढोलक मंजीरों बजाते हुए नाचते गाते और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन दिखे। शोभा यात्रा की शुरुआत नगर मऊरानीपुर रोड SD नर्सिंग होम से धार्मिक स्थल शीतल माता मंदिर में स्थित राम दरबार से प्रारंभ हुई और बस स्टैंड, मोदी चौराहा, मेन बाजार, गोविंद चौराहा, कटरा बाजार, बाल विद्या मंदिर, रेंज चौराहा से गुजरते हुए नगर में लगभग समस्त गली चौराहे से गुजरते हुए शोभा यात्रा निकली। राम भक्तों द्वारा अक्षत कलश शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जय श्री राम के जयकारों के साथ स्वागत किया गया। हरदोई में जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा निमंत्रण न मिलने पर की गई टिप्पणी को लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि जिनको भगवान ने बुलाया होगा, जिनकी आस्था भगवान में होगी, जो भगवान में आस्था रखते होंगे, उन्हें जाने का अवसर मिलेगा। जो राम मंदिर बनने से पहले बड़ा परेशान रहा करते थे, जिन्होंने गोलियां चलवाई, उन्हें सद्बुद्धि मिले। हम कहेंगे, हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। ये बात मैं अभी कहती, लेकिन आपने पूछ दिया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा किया। हम सब यहाँ पे बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कहें कि मन हमारा अयोध्या में ही रखा हुआ है, हमारे आराध्य भगवान राम का मंदिर हम लोग कहते थे कि कब बनेगा, वहां मंदिर भी बन रहा है और दुल्हन की तरीके से अयोध्या भी सज रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के PM नरेंद्र मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता के संदेश को धार देने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ निचले स्तर पर जिनके ऊपर गांव और शहरों को साफ करने की जिम्मेदारी है,
उनकी उदासीनता की वजह से तमाम ग्राम सभा में स्वच्छता की ना केवल कमी देखी जाती है बल्कि नालियां टूटी, गंदी सड़कें और गंदगी का भरमार गांव की पहचान बन चुका है। एक ऐसा ही गांव है जिसका नाम जहादरिया है। गैंडसी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली इस ग्राम सभा में ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि ग्राम प्रधान ने विकास का कोई कार्य नहीं करवाया है। ग्राम प्रधान पिछले 3 सालों से विकास के कार्यों में लगातार हिलाहवाली कर रहा है। इसी कारण से गांव में तमाम जगहों पर न केवल गंदगी पसरी हुई है बल्कि गांव के एक मोहल्ले में बड़े पैमाने पर जलभराव की समस्या है। जलभराव और लोगों के घरों से निकलने वाले गंदे पानी के कारण आसपास के 300 से 400 लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत पत्र के जरिए अधिकारियों को ये अवगत भी कराया कि उनके गांव की स्थिति बहुत खराब है। बजबजाती हुई नालियां और जलभराव उनकी प्रमुख समस्या है लेकिन अधिकारियों ने इस बाबत कोई ध्यान नहीं दिया। स्थानीय आरोप लगाते हैं कि कई बार तहसील दिवस में तो कई बार BDO और अन्य अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजते हुए ये शिकायत की गई कि गांव के एक मोहल्ले में बड़े पैमाने पर जलभराव की समस्या है। यहां पर बच्चों को स्कूल जाना हो या किसी बीमार को अस्पताल, गंदगी से भरे पानी को पार करके मुख्य सड़क पर पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि जब कोई त्यौहार आता है तो ग्राम प्रधान नाली खुलवा कर पानी को निकलवा देते हैं, उसके बाद स्थिति फिर वैसी की ही वैसी बन जाती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में सफाई कर्मी तो नियुक्ति है लेकिन वो कभी भी नहीं आते। साल में एक बार आकर वो मजदूरों के माध्यम से सफाई करवा देते हैं, उसके बाद से हम सभी उसका चेहरा देखने के लिए तरस जाते हैं। इस कारण से गाँव में गंदगी और बीमारी की भरमार है। कासगंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधन में 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कासगंज जनपद के गंजडुरवार नगर में हजारों पुरुषों और महिलाओं ने अक्षत कलश यात्रा जय घोष के साथ निकाली। कलश यात्रा में श्री राम मंदिर और शंकर जी और अक्षत कलश की झांकी दर्शकों का मन मोह रही थी। यात्रा में नगर के नाथूराम सुशीला देवी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र जय घोष बजाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हजारों धन प्रेमी महिलाएं सिर पर कलश रख कर अयोध्या चलने के लिए चावल बांट रही थी और मंगल गीत गाती हुई दिखाई दे रही थी। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित है। वहीं हरिद्वार में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने सभी देशवासियों के साथ साथ सभी से अपील की है कि 22 जनवरी को देश में दूसरी देव दीपावली मनाई जानी चाहिए। उन्होंने जनमानस से अपील की है कि वो 22 जनवरी को अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाएं, साथ ही भगवान राम के चित्र के सामने राम का पाठ करें। विधायक आदेश चौहान ने कहा है कि सभी अपने घरों को दीपों से सजाएं और श्री राम भक्ति के जश्न में आतिशबाजी कर पूरे देश और दुनिया को ऐसा संदेश दे कि आकाश से देवता भी राम मंदिर के इस उत्सव को देखने के लिए स्वयं आकाश से धरती पर उतर आए। गोंडा में सांसद ब्रजभूषण ने बयान देते हुए कहा है कि कुश्ती और पहलवानों के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम कुश्ती से अलग हो चुके हैं, उस पर बात करने से क्या फायदा। सांसद ने अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर बोलते हुए कहा कि गोंडा के बिना अयोध्या अधूरी है। राम मंदिर आंदोलन में देवी पाटन मंडल की भूमिका अधिक है। अयोध्या से गोंडा जितना जुड़ा है उतना और कोई नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण पर सांसद ने कहा कि मंदिर निर्माण समिति सबको आमंत्रण पत्र दे रहा है। अगर आप नामचीन कंपनी के बिजली तार खरीदने जा रहे हैं तो होशियार रहिएगा। हो सकता है दुकानदार आपको कंपनी के नाम पर नकली सामान थमा दे, क्योंकि संभल जिले में नामी कंपनी के नकली सामान बेचने के बड़े पैमाने का खुलासा हुआ है। यहां हेवल्स कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ एक दुकान और उसके ठिकानों पर छापामारी की तो भारी तादाद में हेवल्स का नकली बिजली तार बरामद हुआ। यही नहीं, हेवल्स कंपनी के नाम पर सिलाई मशीनें भी बरामद हुई। कंपनी की ओर से कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नकली तार और कुछ हमारी कंपनी के नाम से कुछ आइटमें ऐसी बनाई जा रही थी जो हमारी कंपनी बनाती ही नहीं है जी। बाकी प्लीज आपको सारा कुछ शाम तक पता लग जाएगा। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे जो सिलाई की मशीनें भी कुछ बरामद हुई हैं यहाँ पे, हैवेल्स की कुछ है, सब कुछ है। तो क्या हैवेल्स कंपनी बनाती है सिलाई की मशीनें? नहीं नहीं बनाती नहीं। कितने लाख का माल? अभी कोई अंदेशा नहीं।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।